विकास माली, आखिर कौन है ये विकास माली, गढ़वा में क्यों आखिर चर्चे में है विकास माली। विकास माली का नाम सुनते ही हमें बेबस असहाय गरीब बेटियों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। आखिर ये कौन है विकास माली? दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं विकास माली के बारे में, आखिर ये आजकल चर्चे में क्यों है। विकास माली कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं है, बड़े नेताओं का बेटा नहीं है। विकास माली हम जैसे आप जैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे गढ़वा का ओ लाल है। इसका नाम सुनते ही हमें गरीब असहाय बहन बेटियों की चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ये गढ़वा में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर वैसे काम कर चुके हैं जिनकी वजह से आज इनके बारे में सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। 6 दिसंबर 2023, दोस्तों ये दिन पूरा गढ़वा याद रखेगा क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन है, क्योंकि ये दिन कोई एक बेटी की शादी नहीं, कोई एक बहन की शादी नहीं, बल्कि यहाँ आप देख रहे होंगे 101 से भी ज्यादा बहन बेटियों की एक साथ शादी हो रही है। तो ये शादी कन्या विवाह विकास सोसाइटी के जो सचिव हैं, यानी कि विकास माली, वही करा रहे हैं। दोस्तों बता दें इनके काम के बारे में, तो इनका मुख्य काम है गरीब असहाय लाचार बहन बेटियों को शादी कराना। ये सोसाइटी के जरिए प्रत्येक साल या फिर कह लीजिए प्रत्येक 6 से 8 महीने में ये लगातार कई बहन बेटियों को सामूहिक विवाह कराने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली बात है, उद्देश्य, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके उद्देश्य पर। तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है समाज में दहेज प्रथा अभी जो चल रही है, जो चरम सीमा पर है, इस पर विराम लगाना। दूसरा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो भ्रूण हत्या, आज भ्रूण हत्या एक चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। कहने की वो डरते हैं कि जब ये बच्ची जन्म लेगी, जब ये दुनिया में आएगी तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी करेगी। विकास माली का यही कहना है कि भ्रूण हत्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। आज है 6 दिसंबर और आज गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक दो बहन बेटियों की नहीं बल्कि 101 से भी ज्यादा बहन बेटियों की एक साथ सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक रीति रिवाज होता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, वो सभी दोनों रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी कतार में जो रैली आपको दिख रही है, इसमें सारे दूल्हा बैठे हुए हैं और यहाँ से निकलते हुए आपको रंका मोड़ होते हुए, और सबसे पहले तो जो हिंदू दूल्हा है वो तो सबसे पहले गणदेवी मंदिर में जाते हैं और गणदेवी मंदिर में जो उनका रीति रिवाज होता है वो अपना पूरा करते हैं। इसके बाद वहां से फिर अपने ऑटो में बैठने के बाद जो एक रीति रिवाज होता है, जो बारात निकालने का रीति रिवाज होता है, यहाँ पर बारात निकाला गया है, यहाँ पर बारात ठहरने का व्यवस्था किया गया है और यहीं पर सभी बाराती पूरे मार्केट में घूमते हुए आ रहे हैं। और ये चीज आप अकेले नहीं देख रहे हैं, ये चीज बल्कि पूरे गढ़वा आज देखेगी, यानी कि एक इतिहास के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि एक दो बहन बेटियों की नहीं बल्कि 101 से भी ज्यादा बहन बेटियों की शादी हो रही है। अगर बता दे तो आजकल जो गांव घर के जो माँ बाप होते हैं, जो भाई होते हैं, कहीं ना कहीं एक बहन की एक बेटी की शादी करने में कह लिया जाए तो वो बहुत ही एक तरह से लाचार हो जाते हैं। लेकिन आप इनका दिल देख सकते हैं, ये है विकास माली। प्लस में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम का हो, जो रीति रिवाज होता है सारा चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं अभी बारात पहुंच चुकी है दूरे पर, और दूरा पर आने के बाद जो होता है बाजा गाजा, जो डांस वगैरह गाना वगैरह जो होता है, सारा चीज यहाँ पर किया जा रहा है सामूहिक विवाह में। सारा जो मंडप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वो सारा मंडप को सजाया गया है। प्लस में जो पंडाल आपको दिख रहा होगा, ये पंडाल भी सजाया गया है। प्लस में जो स्टेज बनाया गया है, इस पर देख सकते हैं जो कतार से आपको दूल्हा दुल्हन जाते हुए दिख रहे होंगे, ये जयमाला के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जयमाला कराया जा रहा है। प्लस में इसमें जो भी मुस्लिम वर्ग के जो दूल्हा दुल्हन है के लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है, जो कि बगल में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक निकाह का भी व्यवस्था किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में बाहर से आए हुए मौलाना नूरानी साहब भी आए हुए हैं। मुस्लिमों के लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है, अलग से सब कुछ रखा गया है। प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू रीति रिवाज में जो मंडप का एक सजावट होता है, मंडप का जो काम होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से सजाया गया है। हम बात करें यहाँ पर साजो सामान की, जो एक बारात में जो दुल्हन को जो सामान दिया जाता है गिफ्ट के रूप में आप मान लीजिए, या फिर जो उसे विदाई के टाइम जो सामान दिया जाता है, पलंग हो
या फिर गोदरेज हो या जो भी बासन बर्तन जो सामान है, यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कतार में सामान को ही एक पंडाल में पूरी तरह से रखा गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रहते हैं और इनके जितने भी कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के मेंबर हैं उनको सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और विकास माली जी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए होंगे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।